अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.14 जिसका आज हम पार्ट फोर और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। ये रकम आपके सामने मौजूद है। देखिए, ये न्यूमरेटर में आपको ये रकम मिली हुई है और डिनोमिनेटर में आपको ये रकम मिली हुई है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड के तहत, तो इसे दो हिस्सों में कर देते हैं क्योंकि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो बीच में एक लाइन लगा देते हैं। पहले फॉर न्यूमरेटर, फॉर डिनोमिनेटर, देखिए ये न्यूमरेटर में जो आपको रकम मिली हुई है इसको पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। ये देखिए x माइनस वन अपान एक्स होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत होगा। तो ये जब इसको हम हल करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर होता है प्लस आर माइनस ट्वाइस, तो माइनस है ट्वाइस लगा देंगे, टू फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सेकंड होल स्क्वायर यानी वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस ब्रैकेट को हल करें, माइनस फोर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है तो ये माइनस फोर एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फोर को मल्टीप्लाई करें वन अपान एक्स के साथ तो फोर अपान एक्स हो जाएगा, और ये जो प्लस फोर है ये वैसे का वैसा रख दें, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये माइनस टू है, ये प्लस फोर है, प्लस फोर में से माइनस टू निकल जाएंगे तो बाकी प्लस टू बचेगा, और प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस फोर अपान एक्स होगा। तो इसे अरेंज कीजिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसके डिसेंडिंग ऑर्डर, हाफ एक्स के मुताबिक इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में तब्दील कर देंगे। जिसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू प्लस फोर अपान एक्स, प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ये देखें आपके पास स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला हुआ है, तो उसे एक्स स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ एक्स करेंगे, यहाँ भी एक्स करेंगे, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। निशानी चेंज कर रहे हैं, ये ख़त्म हो गया आपस में प्लस माइनस, इसको जमा कर दें तो ये हो जाएगा टू एक्स, ये पेयर बन गया एक की मरतबा लिख लें। अब ये माइनस फोर एक्स प्लस टू, ये नीचे उतार दें इसका पेयर। अब यहाँ क्या रखें कि जब इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर माइनस फोर एक्स हो जाए, तो माइनस है तो माइनस तो रखनी पड़ेगी हमें, और फोर है तो टू रखना पड़ेगा, बस टू ही रखेंगे, और टू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ तो ये टू टू द फोर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस रखते हैं क्योंकि ये माइनस टू रखा है, तो ये भी माइनस टू रखें तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये फोर एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये टू टू द फोर हो जाएगा। निशानी चेंज करते हैं इसकी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम जमा कर देंगे तो ये टू एक्स और ये माइनस फोर हो जाएंगे, और ये जो बच गया ये माइनस टू बचेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस फोर में से प्लस के टू निकल जाएंगे तो माइनस के टू बचेंगे, जो बाकी बचा हुआ है वो नीचे उतार दें।
पहले ये लिख लें माइनस टू, ये प्लस फोर अपान एक्स और प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये हमने उतार दिया। अब हमें क्या रखें कि ये माइनस टू हो जाए, इसके लिए हमने माइनस वन अपान एक्स रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी माइनस वन अपान एक्स हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस वन अपान एक्स टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स आपस में डिवाइड हो जाएगा, और माइनस वन और ये प्लस का टू तो ये माइनस टू बन जाएंगे, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। वन अपान एक्स फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर अपान एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और वन अपान एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसकी निशानी चेंज कर दें आप, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो इसको आप जमा करके रख दें, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर और ये माइनस टू अपान एक्स, ये पेयर बन गया। तो एक ही मतलब लिखेंगे माइनस वन अपान एक्स, तो ये यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस वन अपान एक्स जो इसका स्क्वायर रूट निकला। तो न्यूमरेटर का हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर जो निकला है वो निकला है एक्स माइनस टू और माइनस वन अपान एक्स, न्यूमरेटर का हमने निकाल दिया आंसर। अब डिनोमिनेटर का जो है वो निकालना पड़ेगा, अपान रखते हैं, जब डिनोमिनेटर का निकलेगा तो इसका हम नीचे उसका आंसर लिख देंगे। ये देखिए डिनोमिनेटर की रकम आपके सामने है, ये उसी तरह हल करेंगे जिस तरह ये न्यूमरेटर हल किया था। पहले इस ब्रैकेट को हल करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, माइनस ट्वाइस प्लस वन अपन वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें माइनस फोर वाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फोर को वन अपन वाई से मल्टीप्लाई करें तो फोर अपन वाई हो जाएगा, और ये प्लस एट रखते हैं, ये वाई स्क्वायर, ये देखिए प्लस एट है, माइनस के टू निकल जाएंगे तो प्लस के सिक्स बचेंगे, प्लस वन अपन वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फोर अपान वाई। तो इसे अरेंज कीजिए, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वाई, y के हिसाब से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी पहले बड़ी रकम उसके बाद छोटी रकम। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस प्लस सिक्स, और ये माइनस फोर अपान वाई और प्लस वन अपान वाई स्क्वायर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अभी हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई और वाई रखेंगे, अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, निशानी चेंज करते हैं तो ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जमा कर दें ये टू वाई हो जाएगा, पेयर बन गया, एक ही मतलब लिखेंगे। अब ये माइनस फोर वाई और प्लस फोर प्लस सिक्स सॉरी प्लस सिक्स ये नीचे उतार दें। अब हम क्या रखेंगे, माइनस फोर हो जाए, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर ये टू रखेंगे, ये देखें टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर हो जाएगा यहाँ, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस फोर वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस टू टू द फोर हो जाएगा, निशानी चेंज करेंगे ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिक्स में से फोर निकल जाएंगे तो ये टू बचेंगे, और इसको जमा कर दें ये टू वाई माइनस फोर हो जाएगा, ये पेयर बन गया, तो माइनस टू यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो बची हुई रकम वो नीचे उतार लें, माइनस फोर अपान वाई और प्लस वन अपान
वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि प्लस की टू हैं तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, प्लस वन अपान अगर वाई रखें तो बिल्कुल ये हमें मिल जाएगा वन अपान वाई को टू वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये टू होगा, और ये प्लस है प्लस इंटू माइनस माइनस, वन अपान वाई को फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर अपान वाई, और ये प्लस वन अपान वाई को वन अपान वाई से मल्टीप्लाई करें तो वन अपान वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये निशानी चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस प्लस आपस के सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये पेयर बन गया प्लस वन अपान वाई, इधर लग रहे हैं वन अपान वाई, ये जमा कर दें टू वाई माइनस फोर और प्लस वन अपान टू अपान वाई। तो इसका डिनोमिनेटर का जो आंसर निकला आपके सामने ये वाई माइनस टू प्लस वन अपान वाई। तो ये आंसर जो हमने इधर लिखा था न्यूमरेटर का, इसके नीचे हम इसका आंसर लिख देंगे डिनोमिनेटर का, तो वाई माइनस टू प्लस वन अपान वाई। तो यही 15 क्वेश्चन का आंसर था, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और इस यूनिट का आपके सामने है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर की रकम आपके पास मिली हुई है, इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है। पहले हम न्यूमरेटर के मालूम करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर की, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में हमने किया था। तो फॉर न्यूमरेटर ऊपर वाली रकम ये हमने लिख दिया है, तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। यहाँ देखिए 4a पावर 4 है, तो यहाँ हमने क्या रखना है 2a स्क्वायर रखें, यहाँ भी 2a स्क्वायर रखें। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a पावर 4 हो जाएगा, निशानी चेंज कर दें माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में जमा कर दें तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, पेयर बन गया। इधर आप आंसर लिखते हुए जा रहे हैं ए स्क्वायर, जो बच गया वो लिखें इधर, यानी 12a³ प्लस 25a² तो ये प्लस का बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, 12 है 3 रखना पड़ेगा क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 होगा, और a भी रखना पड़ेगा, तो ये 3a, ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4 के साथ तो ये 12a³ हो जाएगा, और ये प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा। निशानी चेंज कर दें इसकी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a² और प्लस 6a। यहाँ पे देखें क्या बच रहा है, ये 25 से 9 निकल जाएगा तो ये 16a² बचेगा, ये पेयर बन गया, तो यहाँ प्लस 3a और बाकी जो बच गया है वो लिख दें इधर, ये 24a प्लस 24a और प्लस 16 ये बच गया है। अब हम क्या रखेंगे, ये पहली रकम ख़त्म हो 16a², तो यहाँ पे प्लस हम सिर्फ 4 रख देंगे क्योंकि ए स्क्वायर वैसे ही यहाँ मौजूद है, तो 4 रख देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये ए का ए रहेगा, और ये प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, इसको जमा करके रख दें, ये हो जाएगा 4a² प्लस 6a प्लस 4, और ये जो 4 बचा ये प्लस का, ये हम इधर रख देंगे। यही इस न्यूमरेटर का आंसर है 2a² प्लस 3a प्लस 4। तो फिर अब हम मालूम करते हैं डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का तो मालूम कर लिया आंसर, अब डिनोमिनेटर का आंसर मालूम करेंगे स्क्वायर रूट।
तो पहले ये ब्रैकेट खोल करें, क्योंकि ये बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, तो फार्मूला वही लगेगा होल स्क्वायर वाला। तो ये होल स्क्वायर है तो फर्स्ट होल स्क्वायर, तो ये बी होल पावर फोर हो जाएगा। फिर प्लस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं, तो ये बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड में। प्लस सेकेंड होल स्क्वायर होता है तो वन अपान बी पावर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये फोर हो जाएंगे, तो बी पावर फोर हो जाएगा। ब्रैकेट्स कॉल करें, माइनस ये एट को मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर के साथ, एट बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये एट को मल्टीप्लाई करें वन अपान बी के साथ, बी स्क्वायर के साथ, तो एट अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस ट्वेल्व रखते हैं, ये बी पावर फोर, ये ट्वेल्व, तो ट्वेल्व और ये टू, ये प्लस फोर्टीन हो जाएंगे। प्लस वन अपान बी पावर फोर माइनस एट बी स्क्वायर और प्लस एट अपान बी स्क्वायर होगा। तो अरेंज करें डिसेंडिंग, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बी। अब बी के हिसाब से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ी से रकम से लेके छोटी रकम तक इसे ले जाना है। तो इसकी जो बड़ी रकम है वो है बी पावर फोर, फिर है माइनस एट बी स्क्वायर, प्लस फोर्टीन लिखेंगे, प्लस एट अपान बी स्क्वायर और प्लस ये वन अपान बी पावर फोर। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया इसे। अब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। पहली रकम को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट खुद ही मालूम हो जाएगा। ये देखें बी पावर फोर है, यहाँ बी स्क्वायर रखें और यहाँ पे बी स्क्वायर रखें, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी पावर फोर हो जाएगा। निशानी चेंज कर दें, माइनस या माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गया, इसको जमा कर दें तो टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस एट बी स्क्वायर प्लस फोर्टीन, यहाँ पे हमने अब क्या रखना है, माइनस रखना है क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। फोर रखें क्योंकि फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर को टू से मल्टीप्लाई करें एट हो जाएगा और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्सटीन हो जाएगा। निशान चेंज करें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये माइनस के टू बचेंगे क्योंकि सिक्सटीन में से फोर्टीन प्लस के निकल जाएंगे, तो माइनस के टू बचेंगे। और जो बाकी बचा हुआ है वो नीचे उतार दें, प्लस एट अपान बी स्क्वायर और प्लस वन अपान बी पावर फोर, ये पेयर बन गया, तो माइनस फोर रखें इधर, ये जमा कर दें, ये टू बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एट हो जाएगा। अब देखें ये माइनस टू आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे सिर्फ माइनस वन अपान बी स्क्वायर रखते हैं, माइनस वन अपान बी स्क्वायर रखें, क्यों, माइनस वन अपान बी स्क्वायर जब टू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एट के साथ तो एट अपान बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और वन अपान बी स्क्वायर, वन अपान बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वन अपान बी पावर फोर हो जाएगा। निशानी चेंज कर दें, माइनस इसका प्लस, माइनस माइनस, ये आपस में प्लस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको जमा करके रख दें, ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर माइनस एट और माइनस टू अपान बी स्क्वायर। ये जो
पैर बन गया 1/b² माइनस का, ये 1/b² इधर रख देंगे। ये देखें दोनों के आंसर आ गए हैं, इसका आंसर ये आया है और इसका आंसर ये आया है। तो न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर रख देंगे इधर नीचे आंसर में। न्यूमरेटर का जो आंसर आया था वो आया था 2a² + 3a + 4, और डिनोमिनेटर का जो आंसर आया था वो आया है 2b² - 4 - 1/b². तो इस पूरे क्वेश्चन का स्क्वायर रूट मिल गया हमें, यही था आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये यूनिट भी इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है ये सारा यूनिट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को समझ सकें और इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। अब हम इंशाल्लाह सिक्स्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द आपके सामने। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।